नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा में स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए फेमस उड़िया राइटर फकीर मोहन सेनापति की फेमस शॉर्ट स्टोरी रेबती की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। रेबती स्टोरी है उड़ीसा के कटक में एक गांव है, एक जिला है हरिहरपुरा और वहाँ एक गांव है पटापुर। पटापुर के की स्टोरी है। यहाँ पटापुर के अंदर जमींदार ने एक करण के रूप में एक पर्सन को नियुक्त कर रखा है जिनका नाम है श्याम बंधु मोहंती। एक अच्छे पर्सन है, भले आदमी है, अपने गांव में किसी को ज़्यादा तंग नहीं करते हैं, किसी से फालतू पैसे नहीं लेते हैं, जमींदार के लोगों को अंदर नहीं आने देते हैं, गांव वाले इनसे बड़े खुश हैं। इनका एक छोटा सा परिवार है जिसमें श्याम बंधु मोहंती, उनकी वाइफ, उनकी एक बूढ़ी माँ है और उनकी 10 साल की बेटी है रेबती। परिवार को खाने पीने की कोई कमी नहीं है, जमीन है, गायें हैं, सब कुछ है। गांव में एक स्कूल खुलता है, वहाँ एक स्टूडेंट है जिसका नाम है वासुदेव। वासुदेव और श्याम बंधु एक ही जाति के हैं। तो एक दिन वासुदेव श्याम बंधु को श्याम बंधु अपने घर पर मीठा खाने के लिए बुलाते हैं। जब वो आते हैं तो बात चलती है, तो उन्हें पता चलता है कि कटक में लड़कियों के लिए एक स्कूल है। वो वासुदेव को कहते हैं कि इस रेबती को वासुदेव रेबती को वासुदेव को कहते हैं कि रेबती को तुम पढ़ा दो। वो कहते हैं ठीक है। और ये रेबती जाकर ये बात अपनी दादी को बताती, तो इसकी दादी बड़ा गुस्सा करती है। फिर वो रात को भी बात करती है कि इसको रेबती को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, लड़कियों को तो खाना पीना आना बनाना आना चाहिए, पुरानी ज़माने वाली लेडीज की बात करती है। श्याम बंधु कहते हैं कि अगर इसकी लड़की पढ़ सकती है, अगर उसकी लड़की पढ़ सकती है, तो हमारी रेबती भी पढ़ सकती है। वो श्याम और वो रेबती को पढ़ाना शुरू करते हैं। रेबती जल्दी सीखना स्टार्ट कर देती है। उसे एक अच्छे दिन उसको श्री पंचमी वाले दिन उसको किताबें दे दी जाती हैं और वो बहुत जल्दी सीखना पढ़ना लिखना सीख लेती है। समय बीतता है, अचानक वहाँ पर गांव में हैजा फैल जाता है और उस हैजे के अंदर श्याम बंधु जो है वो पकड़ में आ जाते हैं और श्याम बंधु मर जाते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। जब तो वहाँ गांव में एक रिवाज है कि हैजा जब किसी घर में आ जाए तो उस घर में और लोग नहीं जाते, क्योंकि वहाँ उनको भी हैजा हो सकता है और वो मरने वालों को मरने दिया जाता है, उनको कोई पानी वानी वगैरह नहीं पिलाता है। लेकिन वासु और हैजे वालों को प्यास बहुत लगती है, लेकिन वासुदेव हिम्मत करके जाते हैं और श्याम बंधु को पानी वगैरह पिला देते हैं। मरते वक्त श्याम बंधु कह जाते हैं कि ठीक कुछ कह के वो मर जाते हैं। इसके बाद वासुदेव इनके परिवार का ध्यान रखते हैं। थोड़े दिन 2-3 दिनों बाद इनकी वाइफ मर जाती है श्याम बंधु की। अब घर में 2 ही जने बसते हैं, बूढ़ी और रेबती। बूढ़ी हमेशा रेबती को बोलती रहती कि तेरे कारण सारा घर ख़त्म हो गया, तू ना ये पढ़ना लिखना सीखती ही तो ना ये ऐसा होता। जो जमींदार है जिसने इनको गायें दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, उस जमीन वापस छीन लेता है, गायें भी ले लेता है, अब इनके पास घर चलाने के लिए कुछ नहीं बचता। वासुदेव को थोड़ी बहुत हेल्प कर जो कर पाते हैं करते हैं। इसके बाद में वासुदेव को भी हैजा हो जाता है और वो भी मर जाते हैं। इसके बाद में रेबती भी बीमार हो जाती है और उसको टाइफाइड हो जाता है। बूढ़ी जो है वो जाकर उसको अपने घर में एक ही जग बचता है, उस जग को बेचकर गुड़ कुछ सामान लाती है और रेबती को खाना खुना बनाने के लिए बनाने को कहती है। वो कहती है रेबती तुम जाओ कुएं से पानी ले आओ। और इसके बाद में वो आवाज़ें मारती है, आओ लो रेबती, लो रेबी, लो बिटिया, लो चुलिया, ऐसे बोलती है। लेकिन उसके बाद घर में वो जाके देखती कि रेबती कहीं गिरी पड़ी है, वो जाके संभालती तो रेबती भी मर चुकी होती है। और इसके बाद में लास्ट में गांव वाले कहते हैं कि उस घर में फिर एक ही बार आवाज़ सुनाई दी थी, लो लो बिटिया, लो रेबी, लो रेबिया, लो मुनिया, और उसके बाद में सब मर जाते हैं। तो इस तरह से ये स्टोरी एंड होती है। फेमिनिज्म के ऊपर ये स्टोरी है, बच्चों की एजुकेशन पर ये स्टोरी है। आई होप ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।